नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो। मैं हूँ रानी सिंह। इस वक्त मैं चर्च कॉम्प्लेक्स के कृष्णा रेस्टोरेंट में हूँ। आज तमाम खबरों के बाद जब मैं और मेरा सहयोगी ऋषभ हम कृष्णा रेस्टोरेंट आए तो यहाँ हमने लोगों की काफ़ी गतिविधि देखी। लोग यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, रुक रहे हैं और तमाम जो चीज़ें हैं एक रेस्टोरेंट में होती है हो रही है। लेकिन जब हम यहाँ कॉफ़ी पी रहे थे तो अलग अलग चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिली जो बाकी रेस्टोरेंट से बहुत अलग है। इसलिए हमने सोचा कि एक वीडियो तो यहाँ बनता ही है। यहाँ की कुछ चीज़ें हैं जो बहुत डिफरेंट है, उनमें से चार पांच चीज़ें हैं जो हम उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रेस्टोरेंट के ओनर विक्रम जी हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अभी आप विक्रम जी के हाथ में ये कोकोनट देख रहे होंगे, ये आइसक्रीम का कोई फ्लेवर है, इसे अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया है। लेकिन हम इससे विक्रम जी से जानते हैं क्या कि ये मुझे नहीं लगता कि ये बाकी जगह कहीं मिलता है। पूरे झारखंड की भी अगर हम बात करें तो ये जो कोकोनट वाला आइसक्रीम है ये कहीं नहीं मिलता। विक्रम जी, ये कैसे अलग? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो टेंडर कोकोनट है, सब जानते हैं कि सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो जो इसका आइसक्रीम है टेंडर कोकोनट, वो हम लोग नेचुरल तरीके से बनाते हैं और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता। जो इसमें जो आपका डाब के मलाई का जो पल्प होता है वो पल्प पूरा आता है और साथ ही साथ इसके अंदर आपको डाब का जो फ्लेवर है वो पूरा आता है। तो इस वजह से बाकी आइसक्रीम से बिल्कुल अलग है, जो कि बिल्कुल नेचुरल है और हेल्दी है। इसको बनाने के जो प्रोसेस वगैरह? देखिए, ये बेसिकली ये जो टेंडर कोकोनट है इसका अपना जो ओरिजिनल इसमें मलाई होता है वो तो है ही है, प्लस हम लोग आइसक्रीम इसमें अलग से बनाते हैं जिसके अंदर भी इसकी मलाई को डाला जाता है एक्सट्रैक्ट करके, और उसके बाद फिर इसके अंदर ओरिजिनल जो आपका टेंडर कोकोनट है उसके अंदर इसके पानी को निकाल के हम लोग आइसक्रीम डाल के उसको सारा कुछ टॉपिंग्स डाल के ड्राई फ्रूट्स डाल के कस्टमर को सर्व करते हैं। और इस पूरे अगर आपके आइसक्रीम पार्लर की बात करें, रेस्टोरेंट की, तो कुछ चीज़ें जो हैं बहुत मैंने देखी लोगों की बहुत डिमांड है, क्या वो चीज़ें हैं? देखिए, हमारा आइसक्रीम्स तो डिमांड में है ही है काफ़ी, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट कम से कम 500 वैरायटी की आइसक्रीम्स है, जिसमें फ्रेश फ्रूट है, शुगर फ्री आइसक्रीम है, चॉकलेट आइसक्रीम है, मिंट आइसक्रीम है, अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज़ की आइसक्रीम है जो कि नेचुरल तरीके से जैसे मैंने कहा अभी बनाए जाते हैं, और उसका टेस्ट का भी ध्यान रखा जाता है ताकि कस्टमर को टेस्ट भी उसका मिले। और साथ ही साथ हमारा जो फेमस चीज़ है, जैसे अब लोग ठंड में तो आइसक्रीम खाते हैं, गर्मी में भी खाते हैं, दोनों ही मौसम में खाते हैं। उसके अलावा अभी हमारा कुल्हड़ कॉफ़ी और खजूर मिल्क हॉट में, ये दोनों काफ़ी फेमस है। खजूर मिल्क देखिए, बेसिकली ये हॉट मिल्क है जो जिसके अंदर आपको ड्राई फ्रूट्स, खजूर, इन सब चीज़ों को डाल के हम लोग मिल्क से बनाते हैं। जो बहुत अलग कैसे, क्योंकि देख रही हूँ मैं काफ़ी लोग आ रहे हैं। खजूर मिल्क इसलिए भी अलग है क्योंकि देखिए, इसमें जो भी हम लोग मिल्क यूज़ करते हैं वो अमूल का हम लोग मिल्क यूज़ करते हैं, उसमें किसी भी तरह का मिलावट या चीनी या ऊपर से और कोई चीज़ें नहीं मिलाई जाती है। खजूर का इसके अंदर गुड़ होता है, पूरी की पूरी आप कह सकते हैं नेचुरल तरीके से बनाया जाता है, और साथ में कुल्हड़ भी है, तो कुल्हड़ आप जानते ही हैं सेहत के लिए अच्छा होता है। तो इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें जो बाकी कॉफ़ी या रेगुलर चाय से खजूर मिल्क को अलग बनाता है। विक्रम जी, और क्या ऐसा चीज़ है जो यहाँ अट्रैक्ट करता है, आना पसंद करते हैं स्पेशली आइसक्रीम? देखिए, लोग स्पेशली आइसक्रीम्स के लिए आना पसंद करते हैं, ये तो बहुत ज़रूरी और बहुत ही मतलब इस बात को कह सकते हैं कि ये बहुत, क्योंकि हमारा आइसक्रीम काफ़ी फेमस है तो ये लोग आते ही हैं आइसक्रीम के लिए। और इसके साथ साथ हम लोग खुद का वॉफल कोन भी बनाते हैं, जैसे आमतौर पर आप कोन जो देखेंगे मार्केट में अवेलेबल होता है वो रेडीमेड कोन होता है, तो उसका स्वाद आपको फ्रेश नहीं लगेगा, लेकिन जो हमारा कोन है ये आपका वॉफल कोन हम लोग खुद से बनाते हैं, तो ये इसके अंदर एक क्रिस्पीनेस होता है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल बाकी कोन से अलग होता है, तो ये हमारे जो आइसक्रीम को और टेस्टी बनाता है। और एक फालूदा कुल्फ़ी के बारे में? बेसिकली देखिए, जो फालूदा कुल्फ़ी हमारा नॉर्मली बाज़ार में और भी फालूदा कुल्फ़ी बनाने वाले हैं जो फालूदा कुल्फ़ी बनाते हैं, लेकिन हमारा फालूदा कुल्फ़ी इसलिए भी अलग है क्योंकि इसको पूरी तरीके से दूध और खोए से बनाया जाता है, और साथ ही साथ इसके अंदर पूरी तरह से ड्राई फ्रूट की मात्रा अच्छे से डाली हुई होती है, और साथ में जो हम लोग रबड़ी डालते हैं वो रबड़ी भी बिल्कुल प्योर मिल्क से बना होता है और बिल्कुल फ्रेश डेली का डेली हमारे यहाँ बनता है। तो ये बाकी चीज़ों से, और साथ में फलूदा तो है ही है, तो सारी चीज़ें जो है फ्रेश तैयार किए जाती हैं हमारे सामने। मतलब कुछ
सारी चीज़ें नेचुरल प्रोसेस से और बहुत ही जी जी बिल्कुल आर्टिफिशियल चीज़ें हाँ आर्टिफिशियल चीज़ें जैसे आपने बोला बिल्कुल सही बोला नहीं यूज़ करते हम लोग सारा कुछ नेचुरली इसके अंदर यूज़ करते हैं और हमारा मेन मोटिव होता है क्वालिटी और साथ ही साथ फ्रेशनेस जो कस्टमर खाए तो उनको लगे कि चीज़ ताज़ी है और चीज़ फ्रेश है। हम जब यहाँ आए थे स्पेशली हम कॉफ़ी पीने ही आए थे हम सबसे पहले जो एंट्री पॉइंट है वहाँ हमने हॉट कॉफ़ी ऑर्डर किया और हमने पिया उसके बाद से हम हॉट कॉफ़ी के फ़ैन हो गए और तभी हमने सोचा कि हम अब एक हमें एक वीडियो करना चाहिए। हॉट कॉफ़ी जो है काफ़ी अलग है और लोगों की काफ़ी डिमांड है जी। बाकी जगह भी हम पीते हैं अलग बहुत है। देखिए हॉट कॉफ़ी इसलिए भी अलग है क्योंकि इसमें चाहे जो भी चीज़ यूज़ होती है चाहे कॉफ़ी की क्वालिटी है चाहे दूध की क्वालिटी है चाहे मशीन है मशीन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि नॉर्मली आप किसी भी मशीन से कॉफ़ी बनाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि कॉफ़ी का फ्रोथ अच्छी तरीके से आएगा तो इसमें कॉफ़ी का जो फ्रोथ है वो हम लोग अलग से जनरेट करते हैं और हम लोग एक टेम्परेचर में कॉफ़ी को बनाते हैं मेंटेन करते हैं ताकि उसका टेस्ट जो है हमेशा मेंटेन रहे क्वांटिटी हमेशा सेम रहे और क्वालिटी और टेस्ट में कभी भी किसी तरह का समझौता नहीं किया जाता है। और अगर जैसे बहुत लोग नहीं आ पाते हैं कॉफ़ी ले जाना चाहते हैं तो उसकी भी कोई व्यवस्था है? जी जी बिल्कुल है हमारे पास जैसे आप देख सकते हैं ये फ्लास्क है जो कि जिसके अंदर आधे घंटे से 40 मिनट तक कॉफ़ी जो है आपका चाहे सूप है चाहे कॉफ़ी है चाहे आपका चाय है ये गर्म रहता है। साथ ही साथ आप स्विगी या जोमेटो से भी कस्टमर मंगा सकते हैं इसको जैसे ये इसके अंदर आप देख सकते हैं मेनू में कुल्हड़ कॉफ़ी है हॉट मिल्क है हॉट चॉकलेट है ब्लैक कॉफ़ी है खजूर मिल्क है फिर ये चाय है फिर आपका स्वीट कॉर्न है स्नैक्स में बेक्ड समोसा वेज पैटीज तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेनू में भी है कस्टमर देख सकते हैं और साथ ही साथ ये सेफ़ भी है और किसी भी तरीके का इसमें हार्मफुल चीज़ें नहीं है काफ़ी सेफ़ है फूड ग्रेड का है। कितनी देर तक गर्म रहे इसमें करीब करीब 30 से 40 मिनट तक कॉफ़ी गर्म रहता है। इसको देख सकते हैं एक कार्टन का जो है एक फ्लास्क है और आप इसमें चीज़ें अब ले जाते हैं तो घर के लिए आप अगर होम डिलीवरी चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी है ये मीन्स लाइट वेट भी है और इसका आप यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी यूनिक है क्योंकि अभी तक आप रांची सिटी में या फिर आप पूरे झारखंड में भी देख लो तो ये वाला जो सिस्टम है वो अभी कहीं स्टार्ट नहीं हुआ है तो ये काफ़ी अलग चीज़ें हैं। जी बिल्कुल। तो ये हमने आज कृष्णा रेस्टोरेंट में हम विज़िट कर रहे थे और यहाँ की जो स्पेशल चीज़ें हैं उस पर हमने फोकस किया और देखा कि कैसे बाकी रेस्टोरेंट से यहाँ की कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत अलग है और काफ़ी अलग अलग सिस्टम भी यहाँ पे जो है शुरू हुए हैं जैसे कि आपने फ्लास्क वाला देखा होगा वो शायद अभी कहीं यूज़ नहीं किया जा रहा है उसी तरह आपने कोकोनट वाली आइसक्रीम देखी वो भी कहीं यूज़ नहीं किया जा रहा है तो आप सबों से भी यही कहूँगी कि एक बार आप कृष्णा रेस्टोरेंट ज़रूर विज़िट करें और यहाँ के अलग अलग चीज़ों का लुत्फ आप भी उठा सकें। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं रानी धन्यवाद। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in